सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बाइक देखिए, बाइक एकदम चमक चुकी है। और अभी मैं पूरी कहानी बताता हूँ, एक्चुअल में हुआ क्या। शिमला राइड्स यानी कि स्पीति, विंटर स्पीति करके हम रिटर्न बैक आ रहे थे शिमला से। तो रास्ते में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, खैर जैसे ही घर के पास में ही पहुँचा, मुश्किल से मुश्किल 10 किलोमीटर पहले, तो अजीब सी साउंड आने लग गई बाइक में, एग्जॉस्ट में से। तो जैसे ही घर तक एंड तक पहुँचा तो भाई साहब इसका साइलेंसर फट गया था, यानी कि आगे से इसका वॉल्व खुल गया था। मैं अभी दिखाता हूँ वीडियो में आपको, सो वीडियो में देखिए अभी। सो गाइस देखिए अभी क्या हो रहा है बाइक में। तो उसके बाद मैंने सोचा यार इसके ना दो नट बोल्ट खुले हैं आगे के वॉल के, तो वहाँ पे मैंने मैकेनिक वगैरह को दिखाया, वो बोला पूरा खोलना पड़ेगा। तो फिर मैं सीधा डायरेक्ट सर्विस सेंटर ले आया यहाँ पे। ये रिठाला का सर्विस सेंटर है, मेट्रो स्टेशन के पास में पड़ता है। तो यहाँ पे आके दिखाया इनको, ये बोले चलो देख लेते हैं क्या होगा, जो भी होगा। तो स्टार्टिंग में बिल में इन्होंने बताया मेरे को कि 200 रुपये सर्विस चार्ज लगेगा। तो मैंने बोला सर्विस चार्ज तो नहीं लगना चाहिए ऐसे में, बिकॉज़ ये चलते चलते हुआ है, कोई मेजर वो तो है नहीं, बस दो बोल्ट लगाने हैं। बोले चलो कोई नहीं, देख लेते हैं बाद में। तो बाइक इन्होंने कर दी बोल्ट वगैरह, दो बोल्ट लगा दिए और बाइक ओके हो गई एकदम। तो फिर बात आई बिल की, तो मैंने मैनेजर से डायरेक्ट बात करी, पोलाइटली बिहेव करा, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हुआ मैं इस बात को लेके। फिर उन्होंने देखते देखते बोल दिया चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने बोला सर मैं पेमेंट कर दूंगा, आप वॉशिंग और चैन लूप क्लीन करवा दो इसकी। तो वो बोले कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो, मैं कर देता हूँ। तो उन्होंने बाइक की वॉशिंग कर दी, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी बाइक, और उसके बाद उन्होंने चैन लूप करी, चैन क्लीन करवाई और लूप करवा के बाइक दे दी। तो मेरा जो भी चार्जेस आया वो है सिर्फ 245 रुपीज़ इन्होंने लिया मेरे से, और वो वॉशिंग का ही 120 रुपीज़ और 97 रुपीज़ चैन क्लीन और लूप का लेते हैं। तो नॉर्मली मेरे से कोई सर्विस चार्ज लिया नहीं इन्होंने। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ कुछ सारे सर्विस सेंटर वाले कस्टमर की सुनते हैं, तो ज़्यादा गुस्सा ना होए उनके ऊपर, आराम से अगर बात करोगे, प्यार से बात करोगे, तो खुद ब खुद डिस्काउंट दे देते हैं। तो मेरा तो कहने का मतलब ये था, मेरे को मिल गया डिस्काउंट। सो बाइक एकदम ओके हो गई है, साउंड एकदम बढ़िया हो गया है, चैन क्लीन और लूब होने के बाद एकदम मक्खन चल रही है भाई। सो वाओ। तो अभी इसका चार्जर काम नहीं कर रहा है, तो चार्जर इसका ठीक करवाता हूँ या मैं खुद ही ठीक करता हूँ घर पे जाके। और शाम के 5:30 बज चुके हैं, मैं यहाँ पे आई थिंक 1:30 बजे आया था, तो 3-4 घंटे में मेरे को बाइक मिल गई। और बाकी तो कह रहे थे कि कल ही मिल पाएगी, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट इन्होंने पहले मेरी बाइक करवा दी, तो बेस्ट है। तो सर्विस सेंटर अच्छा है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं रिठाला साइड में, तो ये सर्विस सेंटर मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, बहुत बढ़िया है और दिल्ली में टॉप रैंक पे ही आता है ये वाला सर्विस सेंटर। बाकी 2.0 2.5 इसकी जो रैंकिंग है शायद 3.8 के आसपास है, और रिव्यू भी अच्छे हैं, और जो सर्विस करने वाले बंदे हैं, मैनेजर है, सब यानी अच्छे से बात करते हैं, तो तरीके से बात करते हैं, वही चाहिए और क्या चाहिए होता है, बस सर्विस अच्छी मिलनी चाहिए और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, बस यही कहना चाहूँगा मैं। और बाकी रही बात विंटर स्पीति राइड की, तो गाइस हमने टाइम ही गलत चूज़ करा, बट कोई नहीं, हम मार्च में दोबारा जाएंगे। और इस राइड को कंप्लीट करके ही आएंगे इस बार, तरीके से और पूरी प्रिपरेशन लेकर।
टायर में क्या बोलते हैं उनको, चैन टायर क्या बोलते हैं उनको, जो भी है। तो यानी सारी प्रिपरेशन करके ही जाएंगे हम इस वाले राइड को कंप्लीट करने, बिकॉज बहुत डेंजर राइड है यार। मेनली क्या है, टेम्परेचर तो बाद में आता है, उससे पहले ब्लैक आइज आती है। ब्लैक आइज से बचना बहुत ही टफ हो जाता है, यानी कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है वहाँ पे पहुँचने के बाद में। हम भगाना चाहें तो भगा नहीं पाएंगे, डर के मारे कहीं गिर ना पड़े कोई, यानी एकदम से ब्लैक आइस ना आ जाए, और ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है। यानी ब्रेक हम लगाएंगे तो गिरेंगे, और ज़्यादा रेव देंगे तो भी गिरेंगे। तो नॉर्मल स्पीड में चलाना बाइक को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये है थोड़ा वो डर रहता है। सो फिलहाल तो भाई साहब ठंड थोड़ी ज़्यादा सी हो रही है और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो गाइस ये था बाइक, मेरी ओके हो चुकी है, एकदम चमक चुकी है। इसको वॉशिंग कराने के बाद चैन क्लीन और लूप, तो नेक्स्ट 500 किलोमीटर तक दिक्कत नहीं आएगी। बट मैं तो खैर इसको खड़ी कर दूंगा घर पे, जब कोई राइड होगी तभी निकालता हूँ मैं इसको। तो वॉशिंग कराने की टेंशन ख़त्म, चलो अब घर चलते हैं। सो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबा देना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो तो अच्छी लगेगी यार, गोप्रो ले लिया मैंने इतना महंगा। तो गाइस सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ाइए, सपोर्ट करिए। तो चलिए गाइस, ओके बाय।